बोलो राधे राधे जाप बोलो सीता सीता राम 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 बोलो राधे राधे जाप बोलो सीता सीता राम। शिव टाइम की थोड़ा सारा स्वागत है। मैं डिंपल वर्मा, अज मैं ब्लॉक मांडली बिच खड़ोता। साढ़े कोई 15-20 दिन के बिच मोहला हाली की है रामकोड़ चीजी मकवाल कधारनू सरोड़ नरगोटा गुजरू लाखड़ी दानजधार बाकी गुड़ा कलियाल ये जिहड़े भी एक ग्राम ने इस ग्राम बिच एक साढ़े सनातन धर्म की अगे बढ़ाने वास्तै साड़ियाँ माता जी और जो हर ग्रां की दिखा दी कि इस ग्रां बिच की है इस ग्रां बिच की नहीं है और उन्हें जो पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट बिच गए हो लेकिन दो स्टेटें छुड़िए अज मैं उनका इंटरव्यू करना है लेकिन मेरी इन्नी हैसियत नहीं है कि मैं उनके कन्ने बराबर बैठा लेकिन जो उनके कन्ने क्वेश्चन पुट ऑफ करना लेकिन मैं फिर भी अपने आप की भाग्यशाली समझना कि मैं अज इंदे लागी आया और इन्हें मैं इको गल पूछनी क्योंकि साढ़े पोलीटिकल लीडर मैक्सीम के करते कि हर पंचायत बिच जंदे जां हर ब्लॉक दे बिच जंदे किहदे वास्ते जंदे वोट मंगने जंदे जां एडमिनिस्ट्रेशन दे ऑफिसर जंदे ने तां ओह की करदे कुसे लोकें दी समस्या की हल करने जंदे लेकिन पूरा हिंदुस्तान दे बिच जियां अस जीरो ग्राउंड दी पैदल कवर कर रहे ना हर ग्रां बिच हर विलेज जाइए पैदल कवरेज करते जाने अस प्हाड़ियां चढ़ियै इ'यां गै इन्नियां प्हाड़ियां चढ़ियै पैदल कवरेज पैदल जंदे कौन जंदे साढ़ी माता जी होर। अज मैं इंदा इंटरव्यू करने जरूर आया लेकिन तुसें जनता जनार्दन ने अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देनी और जिन्हें भी जिस ग्रां बिच भी गए हो ना तो वह भी पब्लिक इस इंटरव्यू को जरूर देखा दी हो। माता जी राधे राधे। अच्छा आप मुझे एक बात बताना, आपने हमारे ब्लॉक में हर एक गांव में गए हो, आप कैसा गांव लगा? आप बहुत अच्छा है, गाँव तो बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमें जहाँ जहाँ प्रवचन के लिए गए हम ठाकुर जी की कृपा से सब लोग अच्छे मिले हैं। हमारा जो धर्म ठाकुर जी ने दिया हुआ श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और गौ माता का ज्ञान वो बांटने के लिए हम गांव गांव गए और लोगों के साथ जो मुलाकातें प्रवचन के द्वारा हुई बातें उससे एक ही पता चला कि हमारे धर्म को बहुत कम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कितने लोगों के पास तो श्रीमद् भगवद गीता ही नहीं है तो उसका ज्ञान कैसे रहेगा उनके पास, और इसीलिए शायद यहाँ धर्मांतर ज़्यादा होता है। जब गीता ज्ञान बढ़ेगा तो धर्मांतर कोई नहीं करेगा, धर्मांतर जो लोग हिंदू नहीं हैं फॉरेन में लोग क्रिश्चन हैं उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया, आप देख रहे हैं इस्कॉन क्या है, वही एक है जो क्रिश्चियन है और अभी हिंदू बने हैं, शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, हरे कृष्ण कह के एक दूसरे को पुकारते हैं। गीता में इतनी ताकत है कि वो मनुष्य का मनुष्यत्व क्या ही नहीं बताती है, हम किससे बिलोंग करते हैं, हमारा रिश्ता किसके साथ है, हम क्या है, ये सब कुछ गीता में लिखा हुआ है। गीता क्यों? क्योंकि गीता ठाकुर जी के श्री कृष्ण परमात्मा के मुंह से निकला हुआ एक 100% बॉन्ड पेपर है, उसमें कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, न हुआ है न होगा, इसलिए उसी का ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ने हमें निकाला है शायद, और हम वही करते करते आपके मांडली। अच्छा मेरे मुझे एक बात बताना माता जी, हमारे इधर गांव में लोगों में एक अंधविश्वास भी है, हम रामायण घर में रख सकते हैं लेकिन गीता नहीं रख सकते क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवा दिया था, युद्ध हुआ था, और इसके माध्यम से आप कुछ बोल सकते हो लोगों के लिए? देखिए महाभारत में महाभारत एक पुराण है और उस पुराण में गीता एक उपनिषद है, गीता उपनिषद है, महाभारत को लोग कुछ कह सकते हैं मगर गीता के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि गीता अर्जुन को बोली गई, अर्जुन गृहस्थी है। तो हर घर घर में
हर घर में गीता होना अनिवार्य है, इसके ऊपर कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। और जो ये सोचता है वो तो मूर्खतापूर्ण सोचता है, ऐसा ज्ञान हो ही नहीं सकता, कहीं भी इसका उल्लेख ऐसा नहीं है शास्त्र पुराणों में। जो शास्त्र मानता है, जानता है या शास्त्र को तहे दिल से स्वीकार करता है, वो गीता के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। गीता के ऊपर उंगली उठाना मतलब ठाकुर जी के ऊपर उंगली उठाना है, इसलिए ये पाप तो कोई नहीं करेगा। एक प्रश्न और भी है हमारा कि आपका उद्देश्य हमने जान लिया है, लेकिन मांडली ब्लॉक में जहाँ पे आप जहाँ पे अभी ठहरे हो, जहाँ पे आप कोई कथा वगैरह जहाँ के लोगों के लिए कोई आरंभ कोई करवा सकते हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि विपरीत बुद्धि विनाश काल, क्योंकि जहाँ के लोगों की जो बुद्धि भ्रष्ट भी हो चुकी है, इसके माध्यम से आप वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हो कि जहाँ पे क्या आगे क्या रणनीति होगी आपकी। एक्चुअली हम लोगों को यही बताना चाहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म को ग्लानी आएगी तब तब ठाकुर जी इस धरा पर आने वाले हैं। ये सत्यता जताने के लिए, दिखाने के लिए और यही सच है ये समझाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पारण यहाँ होने वाला है 24 मार्च से 1 अप्रैल तक, और 2 अप्रैल को इसका भंडारा होगा। ये यहाँ के मांडली की जो आरएसएस के पूरा संघ है वो आयोजन कर रहे हैं। मांडली के आरएसएस का संघ नहीं तो इस प्रांत में जितने हैं उस प्रांत मतलब इस प्रांत के सभी लोग उसका आयोजन कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है इस प्रांत के लिए कि यहाँ ये पारायण हो रहा है। न भूतो न भविष्यति ऐसा होगा, क्योंकि आज तक किसी ने जीवन की सच्चाई, खुद की जीवन की, दूसरे की जीवन की नहीं, खुद की जीवन की सच्चाई अभी तक नहीं समझी होगी। सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ही जीवन की, अपने जीवन की सच्चाई जान सकता हर कोई। आज तक आपने कथा सुनी होगी मगर अपने खुद की जीवन की कथा क्या है ये समझी नहीं होगी। वही है श्रीमद् भगवद गीता और उसका पारण यहाँ होने वाला है। अब कौन कौन सी स्टेट में गए हो आप, जनता आपको सुन रही है, कहाँ कहाँ गए हो आप, कितना प्यार आप लोगों से आपको मिला? हम पहले नेपाल गए, नेपाल पूरा होने के बाद हम भूटान, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आपका हरियाणा, पंजाब और फिर इधर आपके जम्मू में एंट्री हुई हमारी और आज मांडली में है। वीडियो के माध्यम से आप हमारी जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? श्रीमद् भगवद गीता अगर सबके घर में है तो समझ लीजिए कि आपको जीवन कैसा जीने का ये ज्ञान परिपूर्णता के रूप में मिल जाएगा। और जिसके घर में गौ माता है, देसी गौ माता, जीवन कैसा जिया जाता है ये गीता सिखाएगी, और जीवन को स्वस्थ कैसे रखा जाएगा ये देसी गौ माता बताएगी। ये गौ माता का ज्ञान आपको महाभारत के 6 खंडों में 2 खंड गीता गौ माता के ऊपर ही है। अगर वो पढ़ने के लिए समय नहीं तो अभी इतने फैसिलिटी हो गई, कम्युनिकेशन इतने बढ़ गए हैं कि आप वो ढूंढ सकते कि गौ माता क्या है, देसी गौ माता क्या है और जर्सी क्या है। जर्सी क्या है वो तो गौ माता जैसी दिखती है मगर गौ माता नहीं है, वो तो सुअर है। तो आदमी ने ये समझने का, हर किसी ने, कि मुझे किसको रखने की और किसकी सेवा करने की है। दो चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए अगर मैं हिंदू हूँ, और मेन बात आप अगर मीडिया में ये प्रसारित करना चाहते हैं तो हम एक पॉइंट नोट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाला वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जैन हो या और कोई हो, वो हिंदू ही है। हिंदुस्तानी क्यों है? हिंदुस्तानी जहाँ हिंदू को स्थान है वो हिंदुस्तान है। तो अगर ऐसा है आप ये बात काटते हैं तो नो प्रॉब्लम। सेकंड और बात क्या है, देखिए आप जब कोर्ट में जा हाजिरी देते हैं, फिर कोई भी धर्म का हो वहाँ जाता है तो गीता के ऊपर ही हाथ रखा जाता है। क्यों वहाँ गीता के ऊपर हाथ रखा जाता है? हिंदुस्तानी है हम, हमारा मूल धर्म ग्रंथ है ये। आप भरे घर में गीता रखें या ना रखें कोई भी धर्म का, मगर है हम हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी जैसी बात करो और हर घर में गीता का प्रचार प्रसार होना
क्यों प्रसार प्रसार होना जरूरी है? तो सुख शांति के लिए, खुद के लिए समझो मनुष्यता क्या है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। लास्ट में एक बात और भी है, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये भी श्लोक मेरे ख्याल से गीता में ही है, इसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से आप बता सकते हो कि इसका अर्थ क्या होगा? एक्चुअली ये श्लोक तो गीता में नहीं है, मगर सुना हुआ हमने भी, मगर एक बात है कि हरि कथा हमें करने की नहीं है, हरि नाम लेने का है। हरि कथा इसीलिए नहीं करने की है क्योंकि हरि कथा करने वाले बहुत है। हमें हरि क्या कहना चाहते हैं, जैसे बाप कहता है लात नहीं बात, तो ठाकुर जी कहते हैं मेरी कथा बाद में करो, पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ वो सुनो। तो श्रीमद् भगवद् गीता मतलब उनके मुंह से निकला हुआ वचन है, इसलिए वो क्या कहना चाहते हैं पहले वो करो, बाद में उनकी कथा। और नाम तो लेने का है, नाम में वो बसे हुए हैं, शायद वो नाम के रूप में हमें आशीर्वाद देंगे, इसलिए नाम संकीर्तन करने का। मगर कथा जब उनकी बात समझ में आ जाएगी तो कथा समझ में आएगी, इसलिए कथा ओके और नाम सर्वश्रेष्ठ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल राधे राधे, जय राधे राधे। माता जी आपका नाम तो मैंने पूछा नहीं क्योंकि माँ का कभी नाम लिया नहीं जाता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, आप अपना नाम तो बता दो। देखिए सभी तो हमें माता जी कहते हैं, आप बड़े प्रेम से पूछ रहे तो हम बताते हैं, साध्वी श्यामा प्रिया जी ऐसा कहते हैं सभी हमें। शुक्रिया माता जी, राधे 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 राधे। वीडियो माध्यम करने तुम्हें दिखा क्योंकि इंदा इंटरव्यू लेना जिका वो, क्योंकि मेरे दिले बिच भी होता क्योंकि एक इन्नी वड्डी जेकी आ इस वेले हैन, क्योंकि मैं इंदे बराबर बैठने की भी हिम्मत नहीं करना, लेकिन इन्हें बड़ा अच्छा श्लोक बोलिया कि यदा यदा ही धर्म से गिलानी निर्मति भारत, ये भगवत गीता का श्लोक है, थोड़ा मता अस भी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी इतों की लोकल जनता अगर रिक्वेस्ट करना कि जी इतने कथा जी आरंभ होने याद ही है ना, तो जरूर इस जब आना और अपना इंदे जेके श्लोक भी सुनने और अपना जेका टाइम तुसें इत्थे देना, क्योंकि हर बंदे लागी हर मनुष्य का लागी जेका वो टाइम जेका वो 24 घंटे का होंदा, लेकिन भगवान दे दर विच आना ये हर बंदे की किस्मत विच नहीं होंदा, क्योंकि हर बंदे जेके वो अपनी फैमिली विच बिजी न, लेकिन भगवान वास्ते टाइम कढ़ना, भगवत गीता का अगर एक भी श्लोक तुसें अगर सुनदा हो ना तो तुहाडे जेके हजारा पाप जेके वो धुली जांदे न, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता जेकी वो अर्जुन की सुना ही, ये सारे जानते हैं रामानंद सागर की भगवद गीता बिच तुसें सारा कुछ दिखता, वीडियो के माध्यम कन्नै तुस दिखी जाने ये कृष्ण भगवान जी की कितनी खूबसूरत जेकी वो मूर्ति है तुस दिखी जाने। तो मैं जनता जनार्दन अगे एक रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे दें और साड़ी वीडियो की जगह लाइक और शेयर जरूर करने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।